सो हे गाइस, दिन आज की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का दिल से दिल से दिल से स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीवो X60 Pro Plus के गेमिंग रिव्यू के बारे में। ये फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है चाइना में और 30 जनवरी को इसकी सेल भी रखी गई है। और वीवो ये कहता है कि वीवो की जो एक्स सीरीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशन पर रैंक करता है ये स्मार्टफोन, और इसीलिए इसकी स्पेसिफिकेशन भी कुछ उसी तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी। और लिटरली अगर ये फ़ोन हमारे इंडिया में लॉन्च होता है तो क्या ये फ़ोन आपको गेमिंग के लिए कंसिडर करना भी चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो यहाँ पे आपको किस तरीके की गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीवो X60 Pro Plus के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो लिटरली इसके डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक FHD Plus AMOLED डिस्प्ले। जी हाँ गाइस, आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह कि यहाँ पे कम से कम AMOLED तो डिस्प्ले देखने को मिल ही जाएगा। तो AMOLED डिस्प्ले होने के कारण यहाँ पे आपको क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको और एक बेनिफिट देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी गेमिंग के टच लेटेंसी के मामले में। बात करते हैं इसके बैटरी रिक्वायरमेंट के बारे में, तो 4200 mAh की बैटरी है विद 33 वॉट फास्ट चार्जर के साथ में। तो बैटरी और चार्जर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके रैम और रोम के बारे में, तो रैम में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा LPDDR4 5 रैम का सपोर्ट, थोड़ी सी यूनिक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, इसकी परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इसके रोम के बारे में, तो रोम में आपको UFS 3.1 रोम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं इस फोन के सबसे बड़े हाईलाइट यानी इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप सभी को पता ही है कि ब्रांड न्यू प्रोसेसर निकल गया है स्नैपड्रैगन का, जो कि है स्नैपड्रैगन 888, जो कि लिटरली एक 5G प्रोसेसर है। आप इसमें डुअल 5G यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम पे। ये जो प्रोसेसर है वो एक ऑक्टाकोर होने के साथ साथ 5nm बेस्ड इसका आर्किटेक्चर भी है। तो 5nm पे होने के कारण तो काफ़ी ज़्यादा आपको बैटरी इफिशियंट देखने को मिल जाएगा, प्लस इसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। और बात कर लेते हैं इसके कुछ अदर फीचर के बारे में, जैसे कि इसके सेंसर्स, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ग्रेविटी सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, और हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जायरोस्कोप तो देखने को मिल ही जाएगा, वो भी फिजिकल वाला। और इसके कुछ अदर फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसके मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलता है, 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिलता है इसके डिस्प्ले में, और यहाँ पे आपको HDR10+ का भी सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी तरीके के काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखें तो ये फोन आपको ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच देखने को मिल जाएगा। ओवरव्यू स्पेसिफिकेशन के मामले में ये फोन आपको किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट नहीं करेगा, इसके लुक भी काफ़ी तगड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये तो कोई थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन, आगे चलते जानते प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बारे में कि प्रैक्टिकली ये फोन आपको गेमिंग में किस तरीके की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके दे देगा। वैसे तो आप सभी को पता है कि स्नैपड्रैगन का 888 काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, इसलिए यहाँ पे आपको हर फोन में ये सिमिलरली परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके दे देगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट निकल के आता है इसकी UI को लेकर। अगर कोई प्रोसेसर किसी फोन की UI के साथ में अच्छी तरीके से बाइंड अप हो जाता है तो हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें आपको परफॉर्मेंस नो डाउट उसकी हाईएस्ट लेवल पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप सभी को रिसेंटली पता ही होगा कि MI M11 में अभी यही प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको स्मूथ में 90 FPS बाय डिफॉल्ट सपोर्टेबल नहीं है, वहाँ पर आपको स्मूथ में एक्सट्रीमली ऑफर करता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अपडेट के थ्रू उसे स्मूथर 90 FPS फ्यूचर में किया ही जाएगा। इनफैक्ट वहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेशिंग रेट वाला डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। तो इससे यही समझ में आता है कि किसी किसी UI के साथ में ये अच्छी तरीके से बाइंड अप नहीं होता है इनिशियली, लेकिन अपडेट्स के थ्रू इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज किया जाएगा, क्योंकि ये नया प्रोसेसर है तो इसे थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की अभी ज़रूरत है। बाकी देखा जाए तो ओवरऑल आपको सभी फोन में सिमिलरली परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको PUBG में स्मूथर 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट, अगर कंपनी की मेहरबानी रही तो यहाँ पे आपको स्मूथर एक्सट्रीम भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ पे आपको स्मूथर 90 FPS का सपोर्ट बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको बैलेंस में एक्सट्रीम, HD में एक्सट्रीम, XDR में भी यहाँ पे आपको एक्सट्रीम ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं अल्ट्रा HD के बारे में, तो अल्ट्रा HD में आप अल्ट्रा ग्राफिक्स पे गेम प्ले कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने अभी तक अल्ट्रा HD में एक्सट्रीम ऑफर नहीं किया है। अगर वो ऑफर करेगी तो इसमें वो भी बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करने लग जाएगा। बात करते हैं इसके गेम प्ले के बारे में, तो 90 FPS में कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से फोन रेंडर कर पाता है, लैग वाला कोई इशू नहीं है। 90 FPS में ये बहुत हद तक 80 से 90 के बीच में FPS जो है मेंटेन कर पाता है, लेकिन मोस्टली ये जो फोन है वो 85 से लेकर आपको 90 के बीच में FPS कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करके दे देगा एनी हाउ कंडीशन। इंटेंस सिचुएशन की बात करते तो 84-83 ऐसे चले जाते हैं एप्स के FPS, लेकिन वो फटाफट से रिकवर हो जाते हैं। तो देखा जाए तो 90 FPS में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके दे देगा, इवन सैनोक के बूट कैंप में भी, अगर आप इंटेंस सिचुएशन में भी हो तो भी 90 FPS में यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो यही निकल के आता है कि अगर ये फोन हमारी इंडिया में लॉन्च होता है
और ओवरऑल अगर आप इस फोन को खरीदते भी हैं और आप चाहते हो कि इसमें आप बहुत ही अच्छी गेमिंग कर पाए तो नो डाउट आप इसमें डेफिनेटली बहुत ही अच्छी गेमिंग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी इसकी बैटरी को लेकर। इसकी बैटरी थोड़ी आपको ज़्यादा ड्रेन होती हुई दिखाई दे देगी क्योंकि इसकी बैटरी काफ़ी कम दी गई है एज कम्पेयर टू इसके फोन के कंपेरिजन में, क्योंकि फोन का स्क्रीन भी काफ़ी बड़ा है। अगर यहाँ पे आपको 90% में अगर आप गेम प्ले करोगे तो वो बैटरी भी ज़्यादा खाएगा। तो उस कंडीशन में कंपनी ने कम से कम यहाँ पे 5000 mAh के ऊपर की बैटरी यहाँ पे आपको देना चाहिए था, लेकिन फिर भी चार्जर इसका काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाएगा तो आपको बैटरी चार्जिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होता है कि ये फोन हमारे इंडिया में कब लॉन्च होता है, लेकिन जब भी लॉन्च होगा इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली अपने चैनल पर बना ही दूंगा। तो मेक श्योर करना कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस किया हो। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताई आप उसे रिलेट कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, लाइक करो यार, शेयर करो और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।